Good morning, students. So now today onwards we are going to start GK book. Okay? So GK book से हम लोग पढ़ेंगे. तो जिसके पास book है वो book में complete करेगा और जिसके पास नहीं है book वो copy एक maintain करेगा GK के लिए. Okay? Now first chapter है आपका My Green Earth. First is fill in the blanks using word from the clue box to learn some amazing facts about our environment. हमारे जो environment में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो सच्चाई है जिसमें उसको हम पढ़ेंगे और ये जो clue box दिया है उससे हमें जितने भी fill in the blanks उस पर fill up करना है. Okay? Now first dash is the layer around the earth that prevent the harmful ultraviolet rays of the sun to reach the earth. हमारे जो sun rays से कुछ ultraviolet rays आती हैं उससे prevent करने उससे बचाव के लिए एक हमारे earth पे एक layer बनती है. उस layer को हम लोग क्या बोलते हैं? Ozone layer. ये जो आपका first point है, ozone is the layer around the earth that prevent the harmful ultraviolet rays of the sun to reach the earth. Okay? कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं. थर्ड, अ ग्लास बॉटल इफ नॉट रिसाइकल टेक्स अराउंड 40,000 ईयर टू डिकम्पोज. जो ग्लास बॉटल है उसको डिकम्पोज होने के लिए 40,000 साल लगते हैं. डैश, पेपर क्रिएट ओनली 25% पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू द मेकिंग फ्रेश पेपर. जो हम लोग रिसाइकल करते हैं पेपर को उससे कितना 25% पोल्यूशन होता है एज मेकिंग अ फ्रेश पेपर. फ्रेश पेपर से कम होता है बट जो रिसाइकलिंग होता है पेपर्स उससे 25% पोल्यूशन होता है. प्लास्टिक टेक्स डैश ईयर टू जस्ट बिगन डिकम्पोजिंग. जो प्लास्टिक जो होते हैं उसको 450 साल लग जाते हैं डिकम्पोज, मतलब स्टार्ट टू डिकम्पोज, तब वो डिकम्पोज होता है. तब तक सोचिए वो डिकम्पोज नहीं होता है. इसीलिए प्लास्टिक बैग्स को बैन किया जाता है. द 3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल. जो 3 R स्टैंड क्या क्या चीज़ें होती है? रिड्यूस रीयूज और रीसाइकिल. ओके, फॉर एवरी टन ऑफ रिसाइकल पेपर 17 ट्रीज आर सेव. जो रिसाइकलिंग पेपर होता है उससे कितने ट्रीज सेव होते हैं हमारे? 17 ट्रीज आर सेव. नाउ सेकेंड पॉइंट, पॉल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर लैंड और वाटर दैट अफेक्ट देयर क्वालिटी. लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए ऑफ द एक्शन फॉर एक्शन लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन. एल फॉर लैंड पॉल्यूशन, डब्ल्यू फॉर वाटर पॉल्यूशन. अब ये जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कि ये लैंड पॉल्यूशन है और ये वाटर पॉल्यूशन है. फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें क्या है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, सेकेंड इज लैंड पॉल्यूशन. सॉरी, कार से गैस जो निकल रही है, एयर जो निकल, इसको एयर पोल्यूशन से बोलेंगे. अब थर्ड इज लैंड पोल्यूशन. फोर्थ, लैंड पोल्यूशन. जो बड़ी बड़ी चिमनियों से जो गैस निकलती है उससे एयर पोल्यूशन होता है. ये देखिए, गाय भैंस जो तालाब में नहाती है उससे वाटर पोल्यूशन होता है. ओके, आपका सेवेंथ पॉइंट है लैंड पोल्यूशन. सी, नेम थ्री, नेम दीज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब इनका ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, कौन कौन से हो सकते हैं? ये देखिए, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस एनर्जी. नाउ आपका सेकेंड चैप्टर है अमेजिंग प्लांट्स. कुछ अमेजिंग प्लांट्स होते हैं और ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हम यूज भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में. ओके, सो मैच द पिक्चर एंड नेम ऑफ द अमेजिंग प्लांट्स गिवन इन कॉलम 1 टू देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम 2.
ये जो डिस्क्रिप्शन कॉलम टू में दिया है उससे देख करके आपको कॉलम वन से मैच कराना है, राइट। तो फर्स्ट क्या है, दिस टॉक्सिक प्लांट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली कन्फ्यूज विथ द एडिबल पार्सले, हेमलॉक, ओके। इट इज़ अ वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। बी इज बैम्बू। बैम्बू सबको पता होगा, बैम्बू ट्री सबसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। सी इज द ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्री इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड एन इंसेक्ट रेपेलेंट। वो एक ट्री है जिससे कि ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उस ऑयल को हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक चीज़ों के लिए और इंसेक्ट रेपेलेंट मतलब इंसेक्ट को हटाने के लिए। वो कौन सा ट्री है, यूकलिप्टस। दिस फोर्थ और डी, दिस अफ्रीकन ट्रीज यूजेस थॉर्न टू अवॉइड बीइंग कंज्यूम बाय हर्बीवोरस। कौन सा अफ्रीकन ट्रीज है जिससे हम बचाव करते हैं अपना हर्बीवोरस को। लेडी इन वेल, दिस हर्ब इज यूज फॉर ट्रीटिंग नर्व डिसऑर्डर। कौन सा ऐसा हर्ब है जो हमारे डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, अश्वगंधा। थर्ड पॉइंट आपको दिखा अश्वगंधा। ऐसे ही आपको ये सारे अपने में बुक में मैच कराना है। डू यू नो मैं आपके द ट्री नोन फॉर इट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, बायोबैब। सेकेंड इज द सेक्रेड हर्ब्स दैट इज स्टिल फाउंड इन द मोस्ट हिंदू होम्स, तुलसी। सबके घरों में होता है तुलसी है। तो ट्रीज हुज बार्क इज यूज इन मेकिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया, चिंचोना। चिंचोना एक तरह का ट्री है जिसे यूज करते हैं मलेरिया को हटाने के लिए। द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस मतलब मसाला कौन सा है, सैफ्रॉन, केसर जिसको बोलते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट, विलो वुड ट्री। इस ट्री से क्रिकेट बैट बनते हैं, विलो वुड ट्री से। अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली यूज टू ऐड कलर टू फूड एंड ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी को हम लोग यूज़ करते हैं ना, अब जब भी कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें कलर डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्मरिक, और एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं इसको, ओके। थ्री क्या है, आइडेंटिफाई एंड नेम द प्लांट्स दीज लीव्स बिलोंग टू। ये जो भी आपको देखो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसे देख के आपको नाम लिखना है। पहला क्या है, नीम ट्री है। सेकेंड इज कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। फेनुग्रिक मतलब मेथी। शिप्स मतलब एक तरह का ये घास ही है, ओके। द एनिमल वर्ल्ड, रीड द क्लू एंड जॉइन देम टू द पिक्चर ऑफ द एनिमल दे बेस्ट डिस्क्राइब। ये जितने भी एनिमल्स हैं इसको देख, जो आपके पास डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं उसे देख करके आपको ये एनिमल के साथ मैच कराना है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए, तो प्लीज़ यहाँ से आप मैच कराना उसको। नेम दिस एनिमल एंड रीड अबाउट देयर स्पेशल फीचर्स। अब आपके पास ये देखिए, इस एनिमल को एनिमल देखना है हमें, जो पिक्चर में एनिमल दिया है, और रीड अबाउट देयर स्पेशल फीचर्स। इसके स्पेशल फीचर्स को देख करके हमें इसका नाम लिखना है, ओके। एन एग लाइंग मैमल कौन होता है, प्लैटिपस। अ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड साइडवे। कौन सी ऐसी बर्ड है जो कि फ्लाई करती है पीछे आगे और साइड में, हमिंग बर्ड। द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट कौन सा है, ड्रैगन फ्लाई। ये सब देखे भी होंगे आप लोग, ड्रैगन फ्लाई कौन सा होता है। एन इंसेक्ट दैट मेक्स चिरपिंग नॉइज विद इट्स लेग, क्रिकेट। ये एक तरह का इंसेक्ट है जो कि उसकी नॉइज, जो चिरपिंग नॉइज होती है जो अपने पैरों से करता है। दीज बर्ड्स आर नोन फॉर देयर ह्यूमन लाइक लाफ्टर, कूका बुरा। द लार्जेस्ट लैंड मैमल कौन सा है, एलिफेंट। द लार्जेस्ट बीटल इन द वर्ल्ड इज टाइटन बीटल। फोर्थ
फोर्थ है बॉडी क्विज, मैच द क्लूज विद द बॉडी पार्ट्स दे डिस्क्राइब। अब ये देखिए हमें क्लूज दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उससे बॉडी पार्ट को मैच कराना है। तो आई होप ये आप मैच कर लोगे अपने से। सो ये अब आपका चैप्टर वन से लेकर चैप्टर फोर तक इसमें बुक में मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसको आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और जिसके पास नहीं है वो कॉपी में कंप्लीट करेगा इसको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।